इंटरेस्ट रिसीव रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स जाता है तब बोलिए एग्जाम में से मार्क्स एग्जाम बैंक्स ओन यस हियर 504 for 2 years. Yes, sir. Then you should take some marks to complete. Tell me, sir. After that, see. Sir, 2 years. Question नहीं लिख रहा हूँ बेटा अभी 2 years each 2.5 find the difference between their rates क्या होगा कहाँ गए ये लोग किसके The difference between the interest received from the two different bank on RS for 2 years is itna. Find the difference between their rates. Rates का difference. 2 years is rupees 2.5. हाँ 2.5. सही है ना 2.5 yes. सर क्वेश्चन समझ आई ना क्या कह रहे हैं बोले द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट इंटरेस्ट का जो है डिफरेंस है टू डिफरेंट बैंक ऑन आरएस 500 रुपया अगर आप जमा करते हैं 2 सालों के लिए तो आपका 2.5 रुपीज का इंटरेस्ट का डिफरेंस है सॉरी इंटरेस्ट का डिफरेंस है तो रेट का डिफरेंस क्या होगा किस रेट से वो पैसे जो दे रहा है वो आप बताना है किस रेट से वो इंटरेस्ट कैसे करोगे यहाँ देखिए जो बच्चा पूरा एग्जाम दिया है ना उसका भी अच्छा पाटलिपुत्र इनकम टैक्स आगे तो मिल जाएगा सर सेकंड उसके लिए क्या देना पड़ेगा सर्टिफिकेट ठीक है कहाँ गए ये लोग द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द डिफरेंट बैंक ऑन आरएस तो पी की वैल्यू तो आपको दिया हुआ है कितना 500 टाइम भी है 2 इयर्स अच्छा टाइम भी दे रखा है आपको 2 इयर्स
अच्छा ये जो दे रखा है वे क्या है, इंटरेस्ट का डिफरेंस है, आईडी मान लीजिए, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये जो होता है आई वन माइनस आई टू आप बोल सकते हो, ये भी निकालेंगे हम लोग, इज इक्वल टू क्या दे रखा है 2.5 इंटरेस्ट वन माइनस इंटरेस्ट टू, यस ये है। अब ये ऐसा जरूरी नहीं है आई टू माइनस आई वन भी हो सकता है, बड़ा जो हो उसमें से अभी हम देख नहीं पा रहे हैं क्या है, तो उस तो आप देखो यहाँ से I1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट P1 इनटू क्या होगा, R तो पता नहीं है, R1 आपको पता नहीं है, R2 भी नहीं पता है, इसी का तो डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, R1 माइनस R2 आपको पता करना है कि क्या होगा, तो R1 इनटू कैपिटल आप लिख सकते हो चाहे तो यहाँ पर रेट है, हाँ कैपिटल आप R लिख सकते हो, R1 ये R2 और ये R1 और ये क्या होगा R2, तो ID इक्वल टू लिखेंगे ना सर, ID डिफरेंस ऑफ द रेट के फॉर्मेट में, कहाँ पर ID, ये ओके R1 आपको पता नहीं है, R2 हमको पता नहीं है, और आपको यही पता करना है कि R1 माइनस R2 का डिफरेंस क्या होगा, इसका इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको पता है, ये लिखा हुआ है I1 I2 हमें मालूम नहीं है, I1 कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट तो हो जाएगा क्या आपके पास 500 इनटू टी टी टू इयर्स के लिए, दोनों के लिए टू इयर्स ही है ओके, और उसके बाद रेट, रेट मतलब R1 डिवाइडेड बाय 100, उसी तरह से आप I2 निकालो तो ये क्या हो जाएगा 500 इनटू 2 इनटू R2 divided by 100, आपसे बोल रहा है कि I1 minus I2 आप पद लगाइए, तो ये क्या हो जाएगा, ये फाइंड आउट करना है, तो ये कितना हो जाएगा 500 into 2 divided by 100 और ये हो जाएगा R1 minus R2 होगा क्या, अब ये वैल्यू तो आपको दिया हुआ है ना, हाँ कर लीजिए, ये तो ऐसा है, यही तो करना है ठीक है, यस, तो ये क्या हो जाएगा आई वन आई टू कितना दिया हुआ, आई वन माइनस आई टू, एक मिनट सर एक मिनट, क्या हुआ मुस्कान, बहुत परेशान लग रही हो, बारिश हो रही क्या बाहर, मैं भी जब आ रहा था तो वही सर, R1 अपने को पता नहीं है ये ठीक है, और इसी का डिफरेंस हमको पता है, हाँ इन्हीं का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, डिफरेंस पता करना है कि ये आपको फाइंड आउट करना है कि क्या होगा, आई वन कैसे टेन आएगा, ये इसमें बगल में मल्टीप्लाई भी तो है, कैसे टेन होगा, ये मिस किया क्या, यस तो आई वन माइनस आई टू तो आपको दे रखा है ना 2.5, यहाँ रखिए आप, ये 2.5 आप रखो यहाँ पर, दैट इज द 2.5 इज इक्वल टू ये क्या होगा 10 और आर वन माइनस आर टू, तो इसे डिवाइड कर दो आप 1/4, तो सर 1/4 आ गया, 1/4 आर वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू 2.5 डिवाइडेड बाई 10 किए, वन बाई फोर आ रहा है, 1/4 कैसे आ रहा है, अच्छा 1/4 आ रहा है ठीक है, तो 1/4 0.25 वही होगा, वही आंसर उतना ही लगाना है, देख लेते हैं बस, तो ये 0.25 क्या हुआ, परसेंट हुआ, रेट परसेंट में होता है, 0.2% पर एनम,
इसको क्या हुआ? होगा क्या बोलना चाह रही है तो बोले ना, ये स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा है ना तुम लोगों को फिर। अच्छा, वो वीडियो ऑन कर दिया ज्यादा, ऑडियो ऑडियो में बोले ना मेरे को। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2.5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2.5 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज आर वन माइनस आर टू। और ये फाइंड आउट करना था, इसलिए आर वन माइनस आर टू इज इक्वल टू, एक डेसिमल और पीछे आ जाएगा, ये 0.25% हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ये आपको फाइंड आउट करने को बोल रहा था कि डिफरेंस बिटवीन रेट क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन रेट क्या होगा, difference between their rates. आसान सा क्वेश्चन था ये। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट यानी SI अमाउंट्स अमाउंट्स क्या दे रखा है, 600 in four years and this in 6 years, 650 in 6 years. Find the rate of interest. That means find R is what? Small r rate निकालना है आपको. Rate क्या? Formula बता दे. Formula तो बताया हुआ है ना इसमें. अच्छा rate. वो सब चीजें हैं. तो rate निकालना है आपको. पी नहीं है इसमें। हाँ पी पता नहीं है ठीक है। तो वही फॉर्मूला होगा ना, आर इक्वल टू एस आई इनटू 100 बाय 10 टू आर। अच्छा ये क्या दिया हुआ है, 400 600 600 है ये, मतलब इंटरेस्ट प्लस उसका फी। नहीं फी नहीं है, एसआई की तरफ से कैसे एसआई कर सकते हैं? एसआई तो ये दे रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट पर ये वर्क हो रहा है। इसका ये कहना है कि द सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट, मतलब ये सब कुछ काम कीजिए आप सिंपल इंटरेस्ट पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पर मत कीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो ऐसा ही कह दिया उसने, अगर नहीं कहता तो फिर कैसे? वो तो ए के साथ दे रखा है ना, वो भी यूज होगा, बट कैसे करोगे आप उसका? देखिए फिर कैसे करेंगे, सब मिला
अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट प्लस पी, एस आई प्लस पी. अगर सिंपल इंटरेस्ट जो मिला वो उसमें पी जोड़ दीजिएगा तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला खुद क्रिएट कर सकते हो. तुम्हें कुछ आ रहा है समझ में? क्या हुआ, किसको टेंशन में लेकर गए हो? चलो जो होगा पहले वो करो, क्लास में पढ़ो. क्या कर सकते हो? आप ऐसा करो, एस आई निकालो पहले. एस आई निकल गया. अच्छा, एस आई में निकालने के लिए भी हमको पी चाहिए. पी को पी ही रहने दीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट. अच्छा, एस आई निकल गया पी के फॉर्मेट में. पी के फॉर्मेट में निकल गया ना, और उसमें आर भी नहीं मालूम है, क्योंकि आर हम मानेंगे, क्योंकि आर ही तो फाइंड आउट करना है. टाइम बट पता है हमको, ठीक है, उसमें टाइम हमको पता है. ये जो एक एक जो है चार सालों के लिए दिया जा रहा है, और एक जो है छह सालों के लिए दिया जा रहा है. तो दो इसमें दो सिंपल इंटरेस्ट होगा. मतलब आप ऐसे सोचो ना, ऐसे करो. चलिए हमने मान लिया कि प्रिंसिपल जो है, लेट प्रिंसिपल तो एस आई सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट. अच्छा, आई का चीज आएगा ये वैसे भी कर सकते हो. तो P इंटू इंटू R पता नहीं अपने को. टाइम कितना दे रखा है पहले का? फोर ईयर डिवाइडेड बाई 100. अच्छा, अगर मैं बात करूं कि A1 की मैं बात करूं, तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? S1 प्लस A होगा क्या? सॉरी, S प्लस P होगा. और S जो होता है P इंटू R इंटू समय, टाइम जो है 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 प्लस P. ऐसा होगा. आप इसको छोटा भी कर सकते हो, 25. ये क्या हो जाएगा? पी आर डिवाइडेड बाई 25 प्लस P. इसको आप ऐसे ही आप चाहे तो रह सकते हैं. आप बाहर पी निकाल सकते हैं. 13.6% आएगा. ओके ओके, देख लेता हूँ. तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है. अच्छा, ये आपके पास अकॉर्डिंग टू कुछ क्वेश्चन दे रखा है. ए वन की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखा है? 600 दे रखा है. कैसे नहीं निकलेगा? पी आ गया, पी पता है. और कैसे निकलेगा? अरे तो पी आ गया अपने पास, आर पता, आर ही तो निकालना है तुमको. ए पता है, इसी इक्वेशन से भी निकल जाएगा. अपने पास ये इक्वेशन जो आया है, ए वन की वैल्यू कितनी दे रखी है? ए वन की वैल्यू तो आपके पास है ना 600. तो ए की इक्वेशन हो गया 600 इंटू पी इंटू आर बाई 25 प्लस कितना? प्लस वन. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है. सिमिलरली आप सेकंड के लिए भी काम करें इसी तरह से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? अगर मैं कहूँ कि 650, हाँ यस यस, उसके लिए अलग के लिए क्या करना होगा? पी प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर, आर की वैल्यू पता नहीं है हमारे पास. 4.6 आ रहा है सर. ये अपने पास सिक्स ईयर के लिए था ना भाई, 100 ऐसा था ना, प्लस ऐसा ही होगा. देखिए दूसरा सिमिलरली आप करेंगे तो ऐसा मिलेगा थोड़ा सा. तो आप यहाँ से देखो, तो ये अपने पास 650, और ये क्या होगा? 350. दैट मींस पी और ये 3R डिवाइडेड बाई 50 प्लस 1. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट और सेकंड से आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आर दोनों को डिवाइड कर दो. आप दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा? हाँ, ऑपरेटिंग सिखाना भी तो है. फिर आते हैं शॉर्टकट में भी. ऑपरेटिंग सेकंड सेकंड डिवाइडेड सॉरी वन, तो क्या हो जाएगा? 650 अपॉन 6. और यहाँ पर पी तो ये एंड हो जाएगा, और आपके पास ये आ जाएगा 3R बाई
20 प्लस 1 ये हो जाएगा r by 25 आया है आंसर 50 आ रहा है देखिए एक बार अब यहां से r फाइंड आउट कर लो 22.5 है हां जो इतना नहीं नहीं क्या है सर सही बना है इसको सॉल्व करवा जाएगा आपको देखना पड़ेगा तो r दरार काटेगा सुबह बचेगा 25 देखिए 650 का यूज कहाँ किए हो तो 650 का करेंगे दूसरे क्वेश्चन में ना हाँ तो कहाँ है इसके बगैर थोड़ी ना आएगा इसके बगैर कैसे है ये 400 तुम्हारा कैसे है ये 400 प्रिंसिपल आया कैसे यहाँ से क्वेश्चन दिया अमाउंट लिए 600 और एसआई प्लस भी आप जो बताए एसआई का फॉर्मूला होता है 80/100 प्लस 600 ये हो गया उसके बाद दोनों क्वेश्चन को इक्वेट किए तो आई 25 आ गया इस पे पुट किए तो ये पहले 400 को नहीं मतलब क्या किए नहीं ये गड़बड़ है कुछ भी हाँ बट सही गड़बड़ है यहीं पर गड़बड़ हो जा रहा है 400 को पूछते ना वो अलग आ जाए वो अलग सही है तो यहाँ से आप कर ले कैलकुलेशन तो क्या हो जाएगा अपने पास ये कैंसिल हो जाएगा ये कितना होगा 13 और ये 12 आप इधर में आएंगे तो ये हो जाएगा किसको नहीं ये प्लस वन है तो कैसे काट कर करोगे प्लस ये होगा ना 13 के साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा यस यस 12 यस तो 3r प्लस 50 प्लस 1 इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा कैलकुलेशन हाँ कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना आपको एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा ये इसके साथ जाएगा तो क्या होगा 13r बाई 25 प्लस 13 इसके पास आएगा तो क्या होगा 3r अपॉन 25 सॉरी 50 और प्लस 13 12 या चाहो तो इसको 6 से कैंसिल करो नहीं इसको कट कर रहे हैं ना देखिए यहाँ देखिए 6 से कैंसिल करो क्या हुआ यहाँ देखो 12 है और यहाँ पर आती के साथ क्या गप करने लगे तुम लोग इसको इससे कट करवा देखिए क्या हुआ हल्ला क्यों हो रहा है आंसर इसमें क्या और क्या इसमें लगाओगे एक फॉर्मूला शॉर्टकट है मैं बताता हूँ आपको पहले नोट कीजिए मतलब यहाँ देखो तुम कुछ बोले भी नहीं है बताइए ओके ओके यहाँ पे देखो मुझे लगता है एक आध दो दिन तुम लोग को भी बाहर करना पड़ेगा क्या मुझे फर्स्ट ईयर की तरह